तो दो चीज ध्यान में रखना है, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका बार्ड। चलो तुम भी थोड़ा सा ले लो यार, अभी अभी इतना बड़ा स्पेस में उड़ना है, लंबा उड़ान लगाना है। रियो का यहाँ था, ये रियो का नया केज है। एक्चुअली रियो का ब्रीडिंग के लिए ये केज हम लोगों ने बनाया था, उसके बाद आपने अगर मेरा वीडियो देखे है तो पता चलेगा कि रियो अभी अकेली क्यों है। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर और वो है चंद्रा, और हम दोनों करते हैं आप सभी को हम लोगों का यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। रियो वहाँ था क्योंकि यहाँ हम लोगों का बहुत प्यारा ब्लू व्हाइट कॉकाटू का बेबी, मतलब रियो का जो केज था इस केज में। अभी ये थोड़ा सा छोटा है, खुद का खाना खुद खा पाता है और थोड़ा थोड़ा हैंड फीडिंग भी देना पड़ता है। और रियो तो भुक्कड़ है, मतलब किसी के लिए हम लोग हैंड फीडिंग तैयार करेंगे तो इनको तो देना ही होगा इसी के लिए। देखो तो रियो और ब्लू व्हाइट के बारे में क्या बताऊँ, मतलब जितना भी कहूँगा कम होगा। मुलाकन सल्फर क्रिस्टल तो बहुत देखे हैं, लेकिन ब्लू व्हाइट, इनका आंखों का जो खूबसूरती होता है ना, ये देखने का लायक होता है ब्लू व्हाइट को काटो। अगर आप सामने से इनको नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कितना ब्यूटी है। चलो पानी लेके आओ। ये खुद का खाना खुद खा पाता है और फिर भी हैंड फीडिंग, मतलब प्रॉपर डाइट में थोड़ा सा भी कमी ना रहे इसी के लिए हैंड फीडिंग भी देके रखना पड़ता है। कहाँ गया? चलो हुआ नहीं, क्या कर रहे हो। चलो थोड़ा ज़्यादा करके बनाना होगा क्योंकि हम लोगों का रियो भी बैठा है, उसको भी थोड़ा सा देना होगा। चलो यहाँ आ जाओ, क्या कर रहे हो? अभी तुम छोटे हो, पढ़ाई करने का टाइम नहीं हुआ, वो किताब के पास जा रहा है। और इन लोगों का जो साउंड है ना, ये एक अलग है, दूसरा कॉकाटू की तरह नहीं है। चलो तो एक बार साउंड निकल के दिखाओ तो। ठीक है, खाना बन रहा है। छोड़ो। ये देखो, हाँ देखो, हाँ साउंड सुना ना, हाँ ऐसे साउंड करता है। बहुत क्यूट है और ये बहुत प्लेफुल भी होता है। आ गया, मतलब एक से बढ़कर एक। हम लोग का जो नया फार्म बन रहा है वहाँ और कुछ करे ना करे, नेचर के अंदर भगवान ऊपर वाला का जो ये सुंदर सृष्टि है, इन लोगों के साथ ही रहेंगे। ठीक है, और थोड़ा और एक मिनट, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। सारे के सारे तो कॉकाटूज है, कॉकाटूज के अंदर बहुत सारा सब स्पेसीज है, जैसे अम्ब्रेला कॉकाटू, मोलक्कन कॉकाटू, ब्लू व्हाइट कॉकाटू, ग्रेटर सल्फर, मीडियम सल्फर, गाला कॉकाटू, ब्लैक पैम कॉकाटू, बहुत सारे कॉकाटूज। और सबका नेचर तो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग सब स्पेसीज का अलग अलग नेचर रहते हैं। जैसे मोलक्कन का एक नेचर, वो तो मंका को हम सभी देखते हैं हर एक वीडियोज में। और ये ब्लू व्हाइट ज़्यादा जोर से, मतलब इनका साउंड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कहीं करता है, तो मैं 2-3 स्टेप में ऐसे करता है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लगता है इसका आंखें, मतलब लाजवाब है। वीडियो में कैसे आ रहा है पता नहीं, आप अगर एकदम आमने सामने देखेंगे ना तो इतना प्यारा। और इसका चोटी देखिए, येलो कलर का है, मतलब सल्फर क्रिस्टल का क्या होता है, चोटी ऐसे करके पीछे की तरफ बेंड रहता है। और ये मोलक्कन की तरह है, मतलब मोलक्कन जैसे उनका चोटी ऐसे नीचे गिरा हुआ रहता है, जब चाहते हैं तब खिलाता है, जब खेलने का मूड आता है तभी ऊपर उठाता है। और इसका भी वैसे ही है, लेकिन मोलक्कन कॉकाटू का ये क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, और इसका येलो और ऐसे। और सबसे बड़ी बात है इसका आँखों का जो बॉर्डर है, ब्लू बॉर्डर, मतलब ब्लू कलर, क्या बताऊँ, अलग ही एक खूबसूरती इन लोगों का अंदर ला देते हैं ये ब्लू कलर और येलो चोटी। और इन लोगों का जो साइज है, ह्यूज जायंट साइज का होता है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत होता है। चलो अभी खाना तैयार। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हैंड फीडिंग फार्मूला डाल दिया, उसके बाद थोड़ा गाढ़ा करके बना लिया, और जल्दी ठंडा करने के लिए, मतलब पतला तो करना पड़ेगा, ठंडा पानी डाल दिया तो जल्दी तैयार हो गया। और थोड़ा सा एक मिनट कर लेंगे और उसके बाद खाना तैयार हो गया। चलो आ जाओ तो चंद्रा, देखो तो टेम्परेचर ठीक है। चलो आ जाओ हो गया रियो, चलो टिशू कहाँ है, मेरा हाथ गंदा हुआ है। तुमको एक बार, इसको एक बार, नहीं तो रियो डिस्टर्ब करेगा। हाँ
पेट भर के खाना खा लेना है। अच्छा और एक बात, नहीं तुमको और नहीं, एक बार में और नहीं। चलो अभी नीचे जाएंगे और बाकी का जो सारे बार्ड्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा फीड करा देंगे, हैंड फीडिंग करा देंगे। वो लोग तो पूरा का पूरा सेल फीडिंग है। जब कोई बार्ड पूरा का पूरा सेल फीडिंग होता है उसके बाद हम लोग का ओपन एवियरी में छोड़ते हैं, मतलब उठते हुए फ्लाई करते हुए बड़ा होने के लिए। और फिर भी हम लोग हैंड फीडिंग फॉर्मूला देते रहते हैं ताकि डाइट का न्यूट्रिशन का थोड़ा सा भी कमी ना रहे। चंद्रा गेट ओपन करो, सबको हैंड फीडिंग फार्मूला पिलाना है खिलाना है, इसी के लिए अभी तुम लोगों पे ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। चलो बैठो 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 बैठो, इनको भी और इनका बैठने का स्टाइल देखो और कितना शांत स्वभाव का है देखो। और सारे व्यूअर्स के पास कमेंट्स का इंतजार रहा, ये जो ब्लू व्हाइट कॉकाटू है ये आप सभी को कितना ज़्यादा पसंद आया और मतलब आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है इसके बारे में। चलो फेदर को शेक करो, एक बार दिखा दो सबको। ओ बहुत खूबसूरत है, तो इनको छोड़ दो, अभी नीचे जाएंगे एवियरी के अंदर जाएंगे, बाकी का जो सारे टेम बर्ड्स हैं उन सबको भी थोड़ा सा हैंड फीडिंग कराना है। ये दिखाया, इन लोगों को फीड कराते कराते हैंड फीडिंग फॉर्मूला थोड़ा सा ठंडा हो गया है, फिल्टर से तो गर्म पानी भी निकलता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी हो गया, टेम्परेचर गर्म हो गया, नीचे जाते जाते फिर से टेम्परेचर एकदम सही हो जाएगा। 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हैंड फीडिंग कराना सही रहता है कोई भी बेबी बर्ड को। मतलब हम लोगों को एक दिमाग में रखना है, जब कोई मदर पेरेंट्स उनका बेबी बर्ड को फीड कराता है तो पहले खुद खाना खाता है, वो खाना खाने के बाद उनका कॉब में रखता है, वहाँ से फिर से निकल के बेबी बर्ड को छोटे चिक्स को मतलब उनका जो बच्चा होता है उनको फीड कराता है, तो मतलब एक टेम्परेचर रहता है। तो हम लोग जो हैंड फीड कराते हैं 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास में रहना सही रहता है। ठंडा खिलाएंगे ठंडा पिलाएंगे तो होने का चांस रहता है और वो सही से खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं। तो हम लोग को जो करना है सही टेम्परेचर मेंटेन करके अगर हम लोग हैंड फीडिंग कराएंगे तो बर्ड्स का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बीमारी या इंडाइजेशन होने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उसके साथ और एक चीज ध्यान में रखना है, क्या इलेक्ट्रिक, समीर इलेक्ट्रिक आ गया, जनरेटर चल रहा है बंद कर दो। हाँ जो कह रहा था कि टेम्परेचर 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रखना चाहिए, उसके साथ टेम्परेचर के साथ और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मतलब एज का हिसाब से बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, उन लोगों का हेल्थ सही से नहीं होगा। मतलब जिस स्टेज में जैसे हेल्थ जैसे फिटनेस होना चाहिए वो नहीं होगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी घनत्व कितना गाढ़ा होगा वो भी बहुत मैटर करता है। ये देखो, और ये तो बहुत अच्छा डांस करता है। चलो चलो पीलो 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 पीलो, तुमको पीना है ना, आ जाओ। हाँ मंका, नहीं तुम नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा मंका। चलो अच्छा यहाँ बैठो, तुम बैठोगी तभी जाके ना मैं फिट करा पाऊँगा। चलो चलो बैठो बैठो, अच्छा आ जाओ। आ जाओ मंका और एक बार। हाँ हैंड फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि मतलब हम लोग तो खाना प्रॉपर डाइट देने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी मतलब ये देने से, हाँ तुम ले लो, फिर भी ये देने से क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी डेफिशिएंसी रह जाएगा वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ अगर आपके पास सेम बर्ड है तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा बना रहता है। मतलब हर दिन एक बार करके, अगर हर दिन भी नहीं होगा एक दिन छोड़ छोड़ के अगर, ओए क्या कर रहे हो तुम, अच्छा ठीक है चलो चलो ले लो ले लो। मतलब जब आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा देने के लिए, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। 100 ml भी दे देंगे ना तो भी इन लोगों का पेट नहीं भरता। ऐसे काले चने पानी में भिगो के भुट्टा बॉयल करके एप्पल गुआवा वगैरह वगैरह जितना सारा फ्रूट्स होता है वेजिटेबल्स होता है सब पेट भर के खाता है फिर भी। चलो देंगे लेकिन डांस करना होगा, चलो डांस 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 या। अभी अभी हैंड फीडिंग कराया और एक दूसरे को खाना खिलाने में बिजी हो गया, कौन किसको खिलाएगा, जो खिलाएगा। मंका क्या हुआ, हाँ मंका का एक बहुत अच्छा मोमेंट था, वो उड़ के मेरे हाथों में फ्लाई करके क्या हुआ, खाने के लिए मंका को डिस्टर्ब किया तुमने, ठीक है दिया। संजय आ जाओ अंदर। हाँ अच्छा ठीक है ले लो ले लो और शांत हो जाओ।
हाँ जो कह रहा था ये दो अफ्रीकन ग्रे का बेबी पूरा के पूरा सेलिब्रेटिंग हो गया है, मतलब ओपन एवियरी में अभी छोड़ने का लायक हो गया है, पेट भर के खाना भी खा पाता है और थोड़ा थोड़ा करके तो हैंड फीडिंग हम लोग देते रहते हैं। अरे खुद के लिए कुछ बचा के रखो, पूरा फीड करा दोगे तो कैसे चलेगा, मेल फीमेल को पेट भर भर के फीड करा रही है, तुमको तो दिया बहुत दिया। और इन लोगों को ओपन एवियरी में छोड़ने से पहले ही हम लोगों ने मतलब फेदर सैंपल कलेक्ट कर लिया, क्योंकि डीएनए कराना बहुत जरूरी होता है। बड़े बार्ड में जैसे अफ्रीकन ग्रे में जब एडल्ट हो जाता है तब इन लोगों का अंदर मेल फीमेल का अंदर एक कलर डिफरेंट आ जाता है कि कोई भी देख के डीएनए ना करके भी हम लोग बता सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। अगर आपने मेरा पिछले का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिएगा कि अगर अफ्रीकन ग्रे है और एक डेढ़ साल दो साल इनका एज हो गया है या ढाई तीन साल एज हो गया है तो डीएनए ना करके भी आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ जाता है मतलब कलर का। जैसे मेल का हेड से ना उसका जो चोंच है वो ऐसे स्ट्रेट आके यहाँ ऐसे बेंड होता है, और जो फीमेल होती है जैसे ये फीमेल है इनका हेड थोड़ा सा छोटा होता है और जो चोंच होता है वो ऐसे स्ट्रेटली मतलब थोड़ा आने के बाद ही नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, ठीक है ना। ये एक है, सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस आता है जो मेल होता है डार्क ग्रे होता है, उनका बॉडी का कलर डार्क ग्रे होता है, और जो फीमेल होती है वो एकदम लाइट ग्रे हो जाता है। तो ये देख के हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। फिर भी अगर आप कोई बर्ड को बड़े बर्ड को ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि बड़े बर्ड में ब्रीडिंग के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, एक साल दो साल तीन साल चार साल ऐसे ही, तो चार पाँच साल में ये लोग एडल्ट होता है, उसके बाद टाइम लेता है नए जगह में जाने के बाद या नया ब्रीडिंग केज में शिफ्ट करने के बाद बहुत टाइम लेता है। तो एकदम कंफर्म हो के नहीं तो तीन साल बाद जाके पता चलेगा दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। देखिए अफ्रीकन ग्रे का अंदर हम लोग देख के ऐसे समझ जाते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है डीएनए ना करके भी, लेकिन ज़्यादातर बार्ड ऐसे गेस करके करना सही नहीं रहता है और बहुत मुश्किल भी होता है। मकाउस का अंदर कोकाडूस का अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस सिम्टम्स तो रहता है कि जैसे कोकाडूस का जो सल्फर केसर कोकाडू होता है उसका फीमेल जब एडल्ट होती है उनका आँखों का अंदर जो आईबॉल या हनीबी का झुंड आया है शायद, वो जो हनी भी होता है ना मधुमक्खी कहते हैं ना वो हनी कलेक्ट करके मतलब ऐसे नेस्ट बनाता है, हम लोग जो हनी कलेक्ट करते हैं जहाँ से, जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना ऐसे झुंड पूरा आसमान काला करके ऐसे करके जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है, डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। हाँ तो जो कह रहा था मेल और फीमेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है एडल्ट होने के बाद भी, नए जगह में जाने के बाद या वो जगह में उन लोगों के सेट होने के लिए एक दो साल कभी कभी लगा देते हैं, तो दो तीन साल बाद जाके पता चलेगा दोनों मेल है या दोनों फीमेल है, तो तभी मतलब इतना पेशेंस के बाद तो मन बहुत खराब हो जाता है, मतलब डिमोटिवेट होने का एक चांसेस रहता है। तो अगर आप बड़े बार्ड में ब्रीडिंग के लिए सेटअप बना के उन लोगों को पेयरिंग में रख के ब्रीडिंग सेटअप में रख रहे हैं अच्छा सा नेस्ट बॉक्स लगा के, तो एक बार डीएनए करके कन्फर्म होके करना सही रहता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा हाँ मिलने के लिए आ गए। हाँ क्या हुआ, हाँ फिर से नया दोस्त आया। और रैबिट इतना अच्छा टेम्ड होता है पता नहीं, मतलब हम लोग जब आते हैं ऐसे करके बुलाने से सब दौड़ के चले आते हैं। चलो पेट भर के खाना है और इतना बड़ा स्पेस में उठते हुए आनंद के साथ अभी बड़ा होना है अच्छे हेल्थ के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरा फ्रेंड्स उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ तुम भी आ जाओ, और अब हम लोगों का चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मंका कहाँ है, मंका के सिवा वीडियो एंडिंग कैसे होगा। और तो अब हम लोगों का चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर होगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। अरे अरे तू वो तुम्हारा जगह नहीं है यार। हाँ चलो चलो चलो, हाँ बगल का बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। एक्चुअली ये ठंडा हो गया, मतलब गर्म रखने से मतलब 38 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने से दो तीन फायदा होता है, बर्ड्स भी शौक से खाता है। अगर ठंडा करके जितना गाढ़ा या कुछ भी करके आप खिलाने के लिए कोशिश करेंगे ना तो हैंड फीडिंग कोई भी बर्ड उतना आसानी से नहीं लेगा, और वो ठंडा खिलाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा मतलब इंडाइजेशन होगा, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 38 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर और डेंसिटी ये दोनों चीज़ बहुत मैटर करता है। हाँ चलो, हाँ अभी ठंडा भी ठीक है चलेगा, कुछ भी चलेगा तुम लोगों का। ये पतला भी हो गया है थोड़ा सा, मतलब वो गर्म पानी जब डाले थे ना तो तभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और क्या करें। इन लोगों का उतना मतलब ये तो ये लोग तो बड़ा हो गया है, इम्यूनिटी पावर भी एकदम पूरा के पूरा स्ट्रांग है
और पेट भर के खुद का खाना खुद खा भी सकता है। तो इसी के लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा कम कुछ भी होगा तो चल जाता है। चलो तुम भी थोड़ा सा ले लो यार, अभी अभी इतना बड़ा स्पेस में उड़ना है, लंबा उड़ान लगाना है, बहुत कुछ सबके साथ मिल के एडजस्ट करके रहना है। अफ्रीकन ग्रे और सनकोनियर को जब नया एवियरी में छोड़ा जाता है तब तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, बाकी का सारे बार्ड मतलब डराता नहीं, भागाता नहीं, पीछे दौड़ता नहीं है। लेकिन बाकी का कोई अगर दूसरा स्पेसीज का अमेजन, कोकाटू, मकाओ किसी को भी छोड़ेंगे तो ये सब अफ्रीकन ग्रे और ज़्यादा करके सनकोनियर, हाँ वो तो लंबा उड़ान भी लगाना शुरू किया। अरे इतना डर क्यों है, डरने का कोई बात नहीं, यहाँ सब दोस्त हैं, ठंडा हो गया। तो दो चीज़ ध्यान में रखना है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका बर्ड्स अच्छे हेल्थ के साथ एकदम, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तभी जाके अच्छे हेल्थ के साथ आपके बर्ड खेलते हुए बड़ा हो जाएगा। चलो आ जाओ। ये देखो, बहुत दिन पहले तो हम लोग यहाँ बहुत सारा पिजियंस रखते थे, मतलब रहता था, उसके बाद अपने आप ही सब चला गया था, मतलब दिखाई नहीं देता था। फिर से आज जो देख रहा हूँ तो पिजियन आए हैं और कितना खूबसूरत है देखो, शायद ब्रीडिंग के लिए अच्छा जगह नहीं मिल रहा था, इसी के लिए यहाँ ब्रीडिंग के लिए शायद आए हैं। ठीक है।